हाँ बेटा, चलो देखो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में कॉस्ट ऑफ इक्विटी में ये डिविडेंड ग्रोथ मॉडल किया था। तीन अप्रोच कर ली थी, डिविडेंड प्राइस, अर्निंग प्राइस, ग्रोथ, ये कर लिया था। अब आज करेंगे आगे, हेडिंग बनाइए, अप्रोच नंबर फोर, इसका नाम है बेटा रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच, चलो लिखना शुरू करो। एक्सपेक्टेड रिटर्न इन फ्यूचर। Based on past records of dividends, actually realized by the equity shareholder, थर्ड पॉइंट में लिखेंगे, इट हैज अनरियलिस्टिक अजम्पशन लाइक रिस्क फेस्ड बाय द कंपनी रिमेन्स सेम शेयर होल्डर कंटिन्यू टू एक्सपेक्ट द सेम रेट ऑफ रिटर्न एंड द री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स इज सेम
एज द रियलाइज्ड यील्ड, इफ अर्निंग डू नॉट रिमेन स्टेबल, देन दिस मेथड इज नॉट प्रैक्टिकल। ठीक है बेटा, चलो अब सुनो। हाँ देखो बेटा, अब ये जरा ये वाला पॉइंट देखना, इसमें खुद से लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 3 में, इट हैज अनरियलिस्टिक अजम्पशन फेस्ड बाय। मतलब क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये बस एक अप्रोच है। मतलब ये हम लोग के अभी जब पढ़ोगे, मैं इस पे क्वेश्चन कराने चल रहा हूँ, तो खुद ही देखोगे ना, इस पे कभी एग्जाम में क्वेश्चन आया है, बस ये एक अप्रोच है निकलने की। अब इसमें होता क्या है देखो, जैसे देखो ये बताओ, पहली अप्रोच क्या पढ़ा, सबसे पहली अप्रोच हम लोगों ने पढ़ा है डिविडेंड प्राइस अप्रोच। इसमें क्या एज्यूम करके चलते हैं, डिविडेंड विल रिमेन कांस्टेंट। दूसरा पढ़ा अर्निंग प्राइस, इसमें क्या मान के चलते हो, अर्निंग विल रिमेन कांस्टेंट इन फ्यूचर। अब नोटिस करना, यहां भविष्य की बात करी, यहां भविष्य की बात करी, इस वाले में मान के चलते हो ग्रोथ रेट विल रिमेन कांस्टेंट इन फ्यूचर। अब रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच कहती है कि अगर जो पिछली तीनों अजम्पशन पढ़ी, तीनों में भविष्य की बात करी जा रही है, अगर आप फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जैसे मान लो फ्यूचर में डिविडेंड कांस्टेंट ना हो तो डिविडेंड प्राइस अप्रोच नहीं लग पाएगी, अर्निंग कांस्टेंट ना हो तो अर्निंग प्राइस नहीं रख पाएगी, ग्रोथ रेट कांस्टेंट नहीं हो तो वो नहीं लग पाएगी। तो कहते हैं जब भविष्य नहीं देख पाते तो पास्ट से काम करो। पास्ट से काम कैसे करें, ये देखो एक सवाल देखना, पास्ट से कैसे करें, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जरा देखिएगा। देखिए यही देखना बेटा, जब मैं सॉल्व कर लूं तब देखिएगा। फिर मिस्टर मेहता परचेज्ड शेयर ऑफ अल्फा लिमिटेड फॉर रुपीज 1000, 1000 रुपए का एक शेयर खरीदा है मेहता ने। ही रिसीव्ड डिविडेंड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर एट द रेट 10% पर एनम। कह रहे हैं 10% के हिसाब से उनको डिविडेंड मिला। अच्छा मैं जरा कुछ यहां लिखना चाहता हूं, आप देखो, अगर बेटा मैं यहां लिख दूं, अगर मैं यहां लिख दूं ईयर, तो इसका मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवें साल उनको डिविडेंड कुछ ऐसे मिला होगा। 1000 रुपए का 10% लिखा है तो 100 रुपए ही तो होगा, इसका मतलब हर साल उनको डिविडेंड कितना मिला होगा, 100 रुपए ये मिल चुका होगा। फिर से पढ़ो एक बार, मिस्टर मेहता परचेज्ड शेयर फॉर ₹1000, ही रिसीव्ड डिविडेंड फॉर 5 ईयर एट द रेट 10%। रिसीव्ड लिखा है मतलब वो मिल चुका है इनको डिविडेंड। फिर पढ़ो आगे, 5 साल, एट द एंड ऑफ 5th ईयर, 5वें साल
ही सोल्ड द शेयर फॉर रुपीज 1128। कह रहे हैं बेटा पांचवें साल इन्होंने अपना शेयर बेच दिया, पहले दूसरे तीसरे चौथे साल नहीं, पांचवें साल 1128 में इन्होंने बेच दिया। ठीक है, अब आगे पढ़ो। बेच दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज पर रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। कहते हैं रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच से इसकी कॉस्ट निकालो। ठीक है, कॉस्ट निकालो। अब हम ऐसे करते हैं, देखना बेटा, अब यही सबसे प्रॉब्लम वाली जो पार्ट है वो अब मैं शुरू करने जा रहा हूं। ये क्या बोल रहा है, किसी ने शेयर खरीदा 1000 रुपए का और उसने बेटा उस शेयर पे 10% का डिविडेंड अर्न किया, तो 100-100 रुपए उसने कमाए होंगे, 5 साल तक रखा, पांचवें साल बेच दिया। अब हमसे कहते हैं इसकी कॉस्ट निकालो, तो अब जानते हो क्या है, अब कहा जाता है, जरा ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम बताओ, 1000 रुपए का डिविडेंड यहां खरीदा शेयर, 100 रुपए यहां मिला, 100 रुपए यहां मिला, 100 रुपए यहां मिला, 100 रुपए यहां मिला, 100 रुपए यहां पांचवें साल मिला, और शेयर भी बेच दिया पांचवें साल, लिख देता हूं 1128, मतलब इतना मिला। अब ये क्या कहते हैं, देखो कितनी अजीब सी अजम्पशन है, बेवकूफी वाली। जैसे ये बताओ अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस i की पावर n, तो प्रिंसिपल बराबर होगा अमाउंट अपॉन 1 प्लस i की पावर n। अब ये कहते हैं कि इसकी यहां प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, तो यही फॉर्मूला लगेगा, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, इसकी निकाल लो, इसकी निकाल लो, इसकी निकाल लो, सबकी निकाल लो, जिस पे निकाल लो, ये समझ में आ रहा है। तो इनकी प्रेजेंट वैल्यू मान लो मैंने निकाल ली, कहते हैं अब जब प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो आपको क्या क्या चाहिए होगा, बेटा फोकस करना, क्या क्या चाहिए होगा, नंबर एक पैसा चाहिए, तो पैसा तो लिखा हुआ है, इन्हीं सबकी तो निकालनी है, यही तो हो गया पैसा। नंबर दो समय चाहिए बेटा, टाइम, तो यहां 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, फिर बेटा 1 की जगह 1 ही रहेगा, वी नीड आई, आई इज रेट अपॉन 100, वी नीड आर, आर चाहिए ना। अब वो क्या कहते हैं, कहते हैं इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, तो हमने निकाल लिया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड निकाल लिया। कहते हैं बेटा इसको उस रेट से निकालो जिससे ये इसके बराबर हो जाए, जितने में शेयर खरीदा था, कितने में शेयर खरीदा था, 1000 रुपए में। जब प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, फोकस करना थोड़ा सा, जब प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो क्या क्या चाहिए आपको, पहला जिसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे वो पैसा चाहिए, एक रेट चाहिए, एक टाइम चाहिए। पैसा है अपने पास, टाइम है अपने पास, बट वी डोंट हैव रेट, तो वो कहते हैं रेट ढूंढो, वो रेट जिसपे इन सब की प्रेजेंट वैल्यू इसके बराबर हो जाए, जितने में शेयर खरीदा था, वही रेट है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और बता रहा हूं, पहले बताओ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, क्या बोला इन्होंने, देखो ये उसी से मिलता जुलता है जैसे कल पढ़ा था, कल कैसे बताया था, आप मुझे 1000 रुपए दोगे, मैं आपको टुकड़ों में पैसे दूंगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें तो इसके बराबर हो जाएगा। वहां प्रेजेंट वैल्यू हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ इक्विटी को लिया था, तो वही ये भी कह रहा है जब शेयर खरीदा तो 1000 रुपए में मिला, इतने साल तक डिविडेंड मिला, फिर शेयर बेच दिया, अगर इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालें एक रेट से, जैसे देखो बेटा 10% का रेट मान लो तो प्रेजेंट वैल्यू कुछ और आएगी, 12 पे कुछ और आएगी, 15 पे कुछ और आएगी, 5 पे कुछ और आएगी, 8 पे कुछ और आएगी, होगा ऐसे ना। अब 100% थोड़े ना मानेंगे, बाजार का रेट लेके चलेंगे ना, बाजार का रेट 10% से शुरू होता है लोन वाला, समझ रहे हो ना, तो एक रेट ले जिस रेट पे ये बराबर आ जाए, वही रेट क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, वही रेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। पहले बताओ इतना समझ में है, लेकिन अब समस्या ये है वो रेट हम लेके कहां से आएंगे, हमें क्या पता कौन सा रेट होगा। ठीक है, तो तुम लोग के स्टडी मैट में भी खाली एक क्वेश्चन एग्जाम्पल बना के दिया है, और उसमें लिख दिया है, वही है ये वही एग्जाम्पल है स्टडी मैट वाला, अब उसमें लिख दिया 12% हमने ढूंढ के निकाल लिया, तो तुमने तो निकाल लिया, हम लोग कहां से लेके आएंगे एग्जाम में, है ना, 12% उसमें एज्यूम कर लिया है, उसका भी तरीका अभी बता दूंगा, लेकिन उसमें अब हमें क्योंकि रेट नहीं पता होता ना कैसे निकालेंगे, तो कैसे चेक हो पाएगा कि किस रेट पे वो इक्वेट कर जाएगा, वहां पहेलियां थोड़े ना बूझेंगे एग्जाम में। ठीक है बेटा, तो क्योंकि वो रेट नहीं पता होता, इस वजह से क्या होता है, ये अप्रोच लगती नहीं कॉस्ट ऑफ इक्विटी लगाने के लिए। अब वो निकल भी सकता है, अभी मैं बताता हूं, पहले बताओ इतना समझ में है,
अब जैसे बेटा अपने क्वेश्चन में ही लिखा था 12%, अब थोड़ा सा मुझे समझाना होगा आपको। लो इधर देखो, सब बच्चे ध्यान देना, चलो इधर देखो। अब बताओ इसकी प्रेजेंट वैल्यू चाहिए तो यही होगा 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.12 की पावर 1, मान लो 12% दिया हुआ है, यही होगा। फिर प्लस 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.12 की पावर 2, इसको 2 साल पीछे ले जाना है, ये हो गया ये हो गया। फिर यहाँ आओ, 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.12 की पावर 3, 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.12 की पावर में 4, और आखिरी में इसी की पावर में 5, ऐसे होगा। अब ये देखो एग्जाम में ऐसे किया जाता है, बताओ। अब ये सब करते थे फाउंडेशन में, अब आजकल ऐसे करना पड़ेगा, 100 इंटू इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 0.12, पहले वाले को लिखा जा सकता है, दूसरे वाले को 100 इंटू 1 अपॉन 1.12 का स्क्वायर। नहीं नहीं समझे, आ गया। अब ये देखो तीसरे वाले को 100 इंटू 1 अपॉन 1.12 की पावर में 4, 3। अब ये देखो यहां से मैच कराओ, देखो अब क्या हुआ, मान लो मैं 100 कॉमन निकाल लूं तो यहां क्या बचेगा, 1.12 प्लस 1.12, ऐसे ही तो बचेगा ना। तो ये देखो ऐसे बेटा, देखो 1, 2, 3, मान लो इसी के आगे 2 और लिखा है तो 4, 5, ये 500 हमने यहां लिख दिया, ठीक है। अब ये जो है क्या, 1 अपॉन दिस, 1 अपॉन दिस, 1 अपॉन दिस, इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ये 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू निकालता है, ये देखो ना इस फॉर्मूले में, सोचना इस फॉर्मूले में इसकी जगह अगर इसको ए था, इसको लिखा जा सकता है ना ए इंटू 1 अपॉन दिस, तो ये 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू निकल रही है ना, इसको जिससे मल्टीप्लाई करोगे उसी का निकाल देगा, समझे। तो इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। यहां देखना, अब यहां लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 12%, ठीक है। ये निकालेंगे कैसे, बस यही जो मैंने बताया, देखो 1 अपॉन 1.12 है, ये देखो ऐसे नहीं निकलेगा, ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई 1.12, आ गया। पहले सीख लो कैसे निकलेगा, इतनी बात समझ में आई जो मैंने मैथमेटिकल लिखा हुआ है। अब देखो ये कैसे निकलता है, ऐसे देखो 1 डिवाइडेड बाई 1.12, एक बार डिवाइड करो, चलो आप लोग भी करो, कैलकुलेटर निकालो, है सबके पास, एक कैलकुलेटर ले लो जिसके पास नहीं, ठीक है, जरूरत पड़ेगी बेटा, बहुत सारी ट्रिक्स बताएंगे। अब इधर देखो कैसे निकालते हैं, स्क्रीन पे देखिए, जैसे मान लो ये निकालना हुआ, मैं आपको ये निकालना सिखा रहा हूं, देखो 1 डिवाइडेड बाई 1.12 का स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाई 1.12 की पावर में 3, 1 डिवाइडेड बाई 1.12 की पावर में 4। अब ऐसे करेंगे, कैलकुलेटर पर टाइप करो 1, ये देखो इधर मैं भी कर रहा हूं 1, डिवीजन वाला बटन, डिवीजन वाला बटन 1.12 कर लिया। अब ये देखो इतना क्या क्या टाइप कर लिया, देखो 1 हो गया, डिवीजन वाला बटन 1.12, तो अब जैसे ही हम लोग इक्वल्स टू प्रेस करेंगे तो पहला आ गया, ठीक है ना। अब देखो ये पहला आ गया, पहला मतलब ये वाला सॉल्व हो गया। अब जैसे इसी की पावर 2 निकालना है तो एक बार और इक्वल्स टू प्रेस कर दो, एक बार और, ये आ गया दूसरा, ठीक है। पावर 3 निकालना है, एक बार और कर दो, पावर 4 निकालना है, एक बार और कर दो, पावर 5 निकालना है, एक बार और कर, जितना चाहिए उतनी ऐसे इक्वल्स टू प्रेस करते जाओ, निकलता चला जाएगा, समझ में। ऐसे निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, आया कैलकुलेट करना। अच्छा अब देखो जरा निकाल के, मैं यहां लिख रहा हूं, देखो सही है कि गलत है। और डेसिमल के बाद हम लोग 3 डिजिट तक जाते हैं, चौथे से तीसरे को राउंड ऑफ करते हैं। अब ये 10-12% बहुत यूज होता है तो हम लोग को याद है बेटा, बताओ सही लिख रहा हूं कि गलत, चेक करो निकाल निकाल के। सही है कि नहीं, है ना, 3 डिजिट लेनी है, चौथे से तीसरे को राउंड ऑफ करना है,
अब क्या करेंगे, ये देखो इधर, अब ये देखो यहां से मैच करो, ये भी लिखा है, ये भी मिल गया, ये भी। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू। तो ये देखो, अब इनको मल्टीप्लाई करके बेटा यहां लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू, और इनको मल्टीप्लाई करके यहां लिखते चले जाएंगे। अब ये आ गया 89.3, 79.7, 71.2, 63.6, 56.7, 639.576। अब इसका टोटल आ गया 1000.076। आ गया बराबर, क्योंकि ये उसी रेट पे आ गया जिस पे हम लोगों ने खरीदा था। तो ये जो 12% है, यही क्या बोली जाएगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब ये 12% कहां से आया, ये मॉड्यूल में भी नहीं लिखा हुआ है कहां से आया, पता नहीं कहां से ढूंढ के निकाला है। ठीक है, तो ऐसे जिस रेट पे इक्वेट कर जाए वही करेक्ट है, तो इस पे क्वेश्चन नहीं आता, जान लो। अब इसमें क्या है, ये कब लगेगी, जब भविष्य नहीं देख सकते, क्योंकि पहले में क्या चाहिए, डिविडेंड कांस्टेंट, दूसरे में क्या चाहिए, अर्निंग कांस्टेंट, तीसरे में क्या चाहिए, ग्रोथ कौन। भविष्य नहीं देख सकते तो कहता है पास्ट में जाओ, पिछले 5 साल का डेटा उठाओ, ऐसे देख लो, जिस पे बराबर आ जाए वही कॉस्ट ऑफ इक्विटी। आया समझ में? चलो ये लिख लो बेटा, ऐसे क्वेश्चन नंबर 10। अब नीचे लिखेंगे, वी फाइंड दैट द परचेज प्राइस ऑफ अल्फा लिमिटेड वॉज 1000 एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पास्ट 5 ईयर ऑफ डिविडेंड प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल प्राइस एट 12% इज 1000.076। सो के ई बराबर 12%।
ठीक है, कॉपी कर लिया। चलो अगला तो पढ़ लिया हम लोगों ने, लेकिन ये मान के चलना कि ये एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है। अब लास्ट लिखो अप्रोच 5, इसका नाम है CAPM मॉडल। CAPM मॉडल इसी को बोलते हैं कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल लिखिए। अकॉर्डिंग टू CAPM मॉडल KE इक्वल्स टू RF प्लस बीटा RM माइनस RF। इसी में नीचे लिखिएगा RF का मतलब होता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, RM का मतलब होता है रेट ऑफ रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो। बीटा का मतलब होता है रिस्क कोफिशियंट RM माइनस RF का मतलब होता है मार्केट रिस्क प्रीमियम। मार्केट रिस्क प्रीमियम ठीक है। चलो अब समझो बेटा, देखो इसको ध्यान से समझना है, इसके क्वेश्चन एकदम आसान होते हैं, सब कुछ दिया होता है। अब मैं जरा एक्सप्लेन करता हूँ है क्या है, बताऊँ? चलो अब खूब ध्यान से सुनिएगा। देखो इधर ये बताओ बेटा, अगर मान लो हमें कहीं पैसे इन्वेस्ट करने हो, अगर हमें कहीं पैसे इन्वेस्ट करने हो तो देखो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। देखो अब खूब ध्यान से सुनना, अगर हमें कहीं पैसे इन्वेस्ट करने हो तो हम कहाँ इन्वेस्ट करें, जितना इसमें जरूरी है उतना बता रहा हूँ, ठीक है? क्या क्या? एक है रिस्क फ्री, अगर हमें पैसे इन्वेस्ट करने हो तो दो तरीका है, एक बेटा है रिस्क फ्री, रिस्क फ्री, और एक है विद रिस्क। विद रिस्क एक एक करके समझना। हमारा ये कंसेप्ट बोलता है जब भी कोई कहीं पैसे इन्वेस्ट करता है तो दो तरीके से, एक रिस्क फ्री और एक विद रिस्क। अब इसका क्या मतलब है सुनना। देखो
अब बताओ बेटा, मान लो हम लोग को पैसे कहीं इन्वेस्ट करने हो तो जो ट्रेडिशनल तरीका है, क्या लोग पोस्ट ऑफिस में जमा कर देते थे? सरकार के पास जमा हो रहा है तो सरकार थोड़े ना भागेगी, प्राइवेट बैंक में जमा कर दोगे वो भाग जाएगी। यहाँ इन्वेस्टमेंट का मतलब है कहीं पैसे इन्वेस्ट जमा करना। गोल्ड सिल्वर नहीं खरीद रहे हैं, बिल्डिंग खरीद नहीं रहे हैं, लैंड नहीं खरीद रहे हैं, पैसे वो कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये बताओ, पोस्ट ऑफिस में जमा कर दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, मतलब जितनी सरकारी बैंक है उन सब में जमा कर दिया, तो रिस्क फ्री है। क्यों? गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग है, तो सरकार कहीं नहीं भाग रही है, तो वहां पैसा भी हमारा सुरक्षित है, तो ये है रिस्क फ्री। बताओ, इतनी बात समझ में आ रही है? ये रिस्क फ्री है। अच्छा, लेकिन बेटा जब वही पैसा आप मार्केट में लगाते हो तो उस पर रिस्क होता है कि नहीं होता? होता है। जब आप मार्केट में लगाते हो तो उस पर रिस्क होता है। तो हमारा हमारा ये कंसेप्ट बोलता है कि कोई भी पर्सन मार्केट में लगाते हैं तो रिस्क होता है। इतनी बात ठीक है? अब जैसे ये बताओ, जब मार्केट में पैसा लगाओगे, मार्केट में, तो किसी न किसी कंपनी का शेयर खरीदोगे, शेयर डिबेंचर जो भी लोगे, अब हम शेयर ही बोलेंगे क्योंकि हम तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको पढ़ा रहे हैं, शेयर खरीदोगे। अब शेयर खरीदोगे तो बेटा, जब आप शेयर खरीदोगे तो जो कंपनी आपको देगी वो आपके आपके हिसाब से आपके लिए डिविडेंड है, लेकिन वही कंपनी के लिए क्या है? कॉस्ट है, वही है ना कॉस्ट। अब हमारा ये कंसेप्ट बोलता है, ये जो कॉस्ट है ये ऐसे निकली जाएगी, आर एफ बीटा आर एम माइनस आर एफ। अब मैं समझा रहा हूं, देखना डिजिट्स के साथ देखो तब समझ में आएगा। अब जैसे मान लो, फिर से एक बार सुनना, कंसेप्ट थोड़ा सा बड़ा है। देखो, सवाल लगाने में कुछ नहीं है, सब कुछ दिया होता है, रखो आंसर आ जाएगा, समझने वाली बात है। वैसे इसमें देखो, अगर हमें पैसे अपने कहीं इन्वेस्ट करने हैं तो या तो हम रिस्क फ्री सरकार के बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दें, या और कहीं तो ये इन बैंक्स में जमा कर दें तो वो रिस्क फ्री है, या हम मार्केट में लगाएं तो उसमें रिस्क है। और एफएम में हम लोग क्या पढ़ते हैं? मोर रिस्क मोर रिटर्न, नो रिस्क नो रिटर्न, है ना। तो अब मार्केट में जमा करोगे तो किसी न किसी कंपनी का शेयर खरीदोगे, शेयर खरीदोगे तो कंपनी आपको डिविडेंड देगी, जो कंपनी डिविडेंड देगी वो आपके लिए डिविडेंड है, कंपनी के लिए वही क्या है? कॉस्ट है। अब 2 सेकंड के लिए मान लो कि यहां से मिला 20% का रिटर्न, और मान लो यहां जमा करते तो बड़ी मुश्किल से मिलता 8%, 8%, ठीक है। तो सुनो बेटा, यहां से मिलता 8%, तो इसको बोलते हैं आर एफ, रिस्क फ्री, इसमें कोई रिस्क नहीं है, समझे। इसको बोलेंगे आर एम, ये मार्केट रिस्क है, जो मार्केट से मिला वो आर एम है, ठीक है ना। आर एफ मतलब रिस्क फ्री रेट, आर एम मतलब बेटा मार्केट का रिस्क, तो आर एम आर एफ आप जान गए। अब सुनो, अब क्या बोलते हैं, अब इसमें कहा जाता है देखो, ये बात सही है कि मोर रिस्क मोर रिटर्न, नो रिस्क नो रिटर्न। अब आप बच्चे बताओ, देखो इधर, अब समझने वाली बात है, की पॉइंट तक पहुंच गए। अब बताओ, यहां अगर इन्वेस्ट करते तो 8% बचा लेते, यहां इन्वेस्ट करने पे 20% मिल रहा है, तो रिस्क कितना है? रिस्क कितना है? हमारा ये कंसेप्ट क्या बोलता है? कहता है अगर शेयर होल्डर ने बाजार में इन्वेस्ट करके 20% कमाया तो उसने 20% पे रिस्क नहीं लिया है, 20% पे रिस्क नहीं लिया है। वो कह रहे हैं ऐसा है, देखो ये जो 20% आया है, अगर सरकारी बैंक में जमा करते तो 8% तो वहां से भी मिलता, तो जो रिस्क उठाया उसने 12% के लिए उठाया, 12% ज्यादा कमाने के लिए रिस्क उठाया। बात सही है? तो ये देखो, ऐसे कहते हैं जो जो ये 20% उसको दिया गया वही उसके लिए डिविडेंड है, कंपनी के लिए क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो बेटा ये जो 20% दिया हमने, ये ऐसा है, इसमें 8% तो वैसे ही उसको बाजार में मिल रहा था, उसने जो 20 मिला उसमें 8 तो बाहर ही मिल रहा था, तो उसने रिस्क किस पे उठाया? 12% पे उठाया ना, 12% पे उठाया। अच्छा, अब एक लास्ट पॉइंट, बीटा। बीटा क्या होता है? सुनो बेटा, बीटा क्या होता है? बीटा होता है मार्केट रिस्क प्रीमियम या कॉफिशियंट। क्या बोला मैंने? मार्केट रिस्क कोफिशियंट। ये क्या होता है मार्केट रिस्क कोफिशियंट? सब लोग अच्छे से सुनना, बस ये आखिरी है, इसके बाद समझ जाओगे पूरा, सारी चीज समझा दी फिर क्वेश्चन करना रह जाएगा। बीटा क्या होता है? देखो एक बात बताओ, क्या शेयर मार्केट जब डाउन होता है, जैसे मान लो आप न्यूज में सुनो शेयर मार्केट
500 पॉइंट नीचे चला गया या ऐसे हुआ, तो जब शेयर मार्केट डाउन होता है तो क्या सभी कंपनी नुकसान में होती हैं? आपको क्या लगता है? नहीं। क्या जब शेयर मार्केट अपवर्ड जाता है तो सब फायदे में होते हैं? कुछ 30-32 कंपनी है जिनको बेस लेके, जिनको बेस लेके मार्केट का इंडेक्स निकाला जाता है, सबको लेके नहीं। मार्केट में तो न जाने कितनी कंपनीज है ना, हर जगह कुछ लीडर्स होते हैं ना, तो वैसे शेयर मार्केट में भी कुछ 30-32 कंपनीज हैं जिनको बेस लेके, उनके शेयर जब बढ़ेंगे तो कहेंगे हाँ ठीक मार्केट बढ़ रहा है, उनका शेयर जब घटेगा तो कह देंगे नहीं मार्केट डाउन है। तो आप अच्छे से पहले ये दिमाग में बैठाओ। देखो बेटा, शेयर मार्केट बढ़ा या शेयर मार्केट कम हो गया, शेयर मार्केट बढ़ा या शेयर मार्केट कम हो गया, ये जो बात है, शेयर मार्केट के बढ़ने या घटने से सारी कंपनी नुकसान में या सारी कंपनी फायदे में नहीं होती। ऐसा भी होता है मार्केट डाउन होता है कोई कमा ले जाता है, ऐसा भी होता है मार्केट बहुत अप था किसी का नुकसान हो जाता है। समझ रहे हो मैं क्या आपके दिमाग में बात डालना चाहता हूं? देखो, भले मार्केट डाउन है भले मार्केट अप है, जब हमने कंपनी का शेयर खरीदा है तो हमारा पैसा भी तो मार्केट में ही लगा है ना। लेकिन मार्केट डाउन है तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि हमको भी नुकसान ही होगा, और मार्केट अप है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको भी फायदा ही होगा। मेरी बात समझाई? तो सुनो, मार्केट के डाउनवर्ड या अपवर्ड जाने से मेरी कंपनी पे क्या फर्क पड़ेगा जिसमें मैंने पैसे लगाए हैं, दैट इज बीटा। एक बार और, क्या बोला मैंने? अब खूब ध्यान से सुनते जाओ, कुछ नई चीज नहीं है, 2 मिनट सुनोगे भी समझ में आ जाएगा। बोलो ये बताओ, ऐसे कोविड के टाइम पे, कोविड में सबके बिजनेस बंद थे, क्या सब लोग घाटे में थे या कुछ लोग पैसे कमा भी रहे थे उस टाइम पे? कुछ लोगों ने उसका बहुत फायदा उठाया ना, आईटी कंपनीज ने खूब कमाया, जूम वाले ने उस टाइम पे खूब पैसे कमाए, सब सारी क्लासेस उस पे चली, सारी मीटिंग्स उस पे हुई, सब कुछ है ना। तो जहां पे किसी के लिए प्रॉब्लम है वहीं किसी दूसरे के लिए अपॉर्चुनिटी है, ऐसा कि नहीं है? तो ठीक वैसे शेयर मार्केट में होता है, जब मार्केट डाउन है तो इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई नुकसान में है, मार्केट अप है तो इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई फायदे में है। देखो जैसे आप लोगों ने मेरी कंपनी में पैसा लगाया, एक सेकंड के लिए सोचो, अब बताओ मार्केट नीचे चला गया लेकिन मेरी कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ा, तो कौन सा आप लोग को नुकसान हुआ? बोलो बेटा। ठीक है, अच्छा आपने मेरी कंपनी में पैसे लगाए, मार्केट ऊपर गई लेकिन मेरी कंपनी का शेयर नीचे गिर गया, मैं नहीं संभाल पाया, तो फिर आपको नुकसान हुआ ना। ये इतनी बात बैठी दिमाग में? अब ऐसे सुनो, देखो देखो, आप लोग को पैसे इन्वेस्ट करने थे, आप लोग एसबीआई, पीएनबी, पोस्ट इंडिया, पोस्ट ऑफिस में जमा करते तो वहां मिलता 10-8%, आपने मेरी कंपनी में लगाया तो आपको मिला 20%। तो हमारा ये कंसेप्ट कहता है 8% तो इसको वहीं से मिल रहा था, इसने रिस्क जो उठाया वो 12% पे उठाया, उठाया कि नहीं बोलो? और वो कहते हैं, सुनो वो कहते हैं, और वो भी 12% पे रिस्क कैसे उठाया, देखो 12% पे रिस्क कैसे उठाया, देखो मेरी कंपनी का जितना बीटा होगा उतना रिस्क उठाया। क्या बेटा? मेरी कंपनी का जितना बीटा होगा उतना रिस्क उठाया। अब बीटा क्या होता है? देखो बीटा जैसे, अब मैं समझा रहा हूं, देखो ध्यान से सुनना, जैसे मान लो मेरा बीटा है 2, मान लो मेरे मेरी कंपनी का बीटा है 2, तो इसका मतलब जानते हो क्या है? मार्केट 1 पॉइंट बढ़ेगी, हम 2 पॉइंट ऊपर जाएंगे। समझे? मार्केट 1 पॉइंट गिरेगी, हम 2 पॉइंट नीचे जाएंगे। बीटा कोफिशियंट मतलब मार्केट का हम पे क्या प्रभाव पड़ता है, दैट इज बीटा, रिस्क कोफिशियंट। समझ आ रही बात? तो अब जैसे मान लो मेरा बीटा 2 है, तो मेरा बीटा 2 है, 2 है तो मार्केट 1 पॉइंट गिरेगी तो हम पे डबल का इफेक्ट आएगा। हमारा बीटा मान लो 1 है, एग्जैक्टली 1, तो जैसे मार्केट मूव करेगी वैसे हमारा भी चलेगा। हमारा बीटा 0.5 है, 5 है, तो मार्केट 1 से कम होगी तो हम पे आधा फर्क पड़ेगा, मार्केट 1 बढ़ेगी हम पे आधा फर्क पड़ेगा। तो जितना हम पे फर्क पड़ेगा रिस्क उस पे है ना, बाजार की वजह से थोड़े ना है। अब बात समझाई? उसको बोलते हैं बीटा। तो ये देखो, अब ये देखो कंक्लूड कर रहा हूं, कहते हैं अगर किसी को पैसा लगाना है तो या तो रिस्क फ्री या तो विद रिस्क वो इन्वेस्ट करेगा। अब रिस्क विद रिस्क इन्वेस्ट करेगा किसी कंपनी में तो कंपनी उसको डिविडेंड देगी, डिविडेंड देगी तो जो उसको डिविडेंड मिलेगा उसके लिए डिविडेंड है, कंपनी के लिए कॉस्ट है। वो कॉस्ट कैसे निकाली जाए? ऐसे कहते हैं, जब वो बाहर इन्वेस्ट करता रिस्क फ्री तो 8% कमा लेता, इस कंपनी में इन्वेस्ट करके उसने 12% का रिस्क लिया है, 12% का रिस्क लिया है, और
रिस्क उतना लिया है जितना उसका बीटा है। मान लो बीटा 0.5 है, मान लो 0.5 है, तो 8% ये, 8% ये, और 20 में से 8 गया 12, 12 का आधा हो गया 6, तो ये आया 14% कॉस्ट ऑफ इक्विटी। समझे, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी आई 14%। अब बताओ आरएफ का मतलब रिस्क फ्री रेट, आरएम का मतलब मार्केट रेट, है ना। और ये देखो आरएम माइनस आरएफ, खाली इतने को बोलते हैं रिस्क प्रीमियम, रिस्क प्रीमियम बोलेंगे, है ना। यहां लिखवाया भी होगा मैंने, ये देखो मार्केट रिस्क प्रीमियम, और बीटा का मतलब हो गया रिस्क कोफिशियंट। ठीक है, रिस्क कोफिशियंट का क्या मतलब हो गया, रिस्क कोफिशियंट का मतलब हो गया, रिस्क कोफिशियंट का मतलब हो गया शेयर मार्केट के बदलने से हम पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वो होता है रिस्क प्रीमियम। शेयर मार्केट के बदलने से हम पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको बोलते हैं रिस्क प्रीमियम। बोलो अब समझ में आ गया। ये है CAPM मॉडल, इसका नाम है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। अब क्वेश्चन तो बेटा एकदम आसान होते हैं, सब कुछ दिया होता है, रखो सीधे आंसर आ गया। ये देखो इधर, यहां देखो, कहते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालो, रिस्क फ्री रेट आरएफ है 10%, ये देखो बीटा दे रखा है 1.75, और मार्केट पोर्टफोलियो इक्वल्स टू 15%, ये आरएम दे रखा है 15%। सब तीनों तीन ही चीज तो चाहिए, रख देंगे आंसर आ जाएगा। तो अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 12 करें हम लोग, ठीक है, हो गया। तो ये देखो पांच अलग अलग पॉइंट थे बेटा कॉस्ट ऑफ इक्विटी के। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कितने कॉन्सेप्ट्स कर लिए जरा देखो एक बार, 5। अब बनाओ कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। चलो और इसको पहले लिख लेते हैं तभी समझाता हूं। लिखो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इज नथिंग बट द एक्सपेक्टेड रिटर्न
ऑफ शेयर होल्डर। फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ कंपनी। आगे लिखिए, हाउएवर नॉर्मली कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिमेन्स हायर देन कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। Due to issue of share at a price lower than current market price and flotation cost. It is calculated as dividend price approach का formula है KR बराबर D1 upon P0 earning price approach का फॉर्मूला है KR बराबर earning per share upon P0 ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला है के आर बराबर डी वन अपॉन पी जीरो प्लस जी। वेयर पी इक्वल्स टू नेट प्रोसीड। For calculation of K, current market price for KR.
ठीक है, लिख लिया। चलो अब मैं समझाता हूँ, सामने देखिए। देखो बेटा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। कोई बताएगा रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है? रिजर्व एंड सरप्लस। रिटेन्ड अर्निंग मतलब रिजर्व एंड सरप्लस। अब कितना अजीब लगता है पहले तो सुनने में, रिजर्व एंड सरप्लस की कौन सी कॉस्ट होती है ना? ये तो समझ में आता है, चलो डिबेंचर से पैसा लेंगे तो ब्याज देना पड़ेगा, इक्विटी से पैसा लेंगे डिविडेंड देना पड़ेगा, प्रेफरेंस से पैसा लेंगे डिविडेंड देना पड़ेगा। अब ये अजीब सा ये क्या चीज़ नया आ गया, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब रिजर्व एंड सरप्लस। तो अब कहा जाता है रिजर्व एंड सरप्लस की कौन सी कॉस्ट आती है, तो पहले तो ये समझो होती क्या है। ठीक है, अब आइए देखिए, इसको समझने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। लो यहाँ देखो, फोकस्ड रहना बेटा, बहुत जरा सा डिफरेंस है इसमें और कॉस्ट ऑफ इक्विटी में, तो वो क्या है और कैसे वो सब समझना। चलो अब ये बताओ क्या पढ़ रहे हो अभी, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग है ना? तो पहली सवाल यही है, रिटेन्ड अर्निंग मतलब रिजर्व एंड सरप्लस तो अपने ही पास होता है, कौन सा उसकी कॉस्ट आ जाती है? तो सुनो क्या कॉस्ट आती है बताओ, इक्विटी वाले को पैसा कब कैसे मिलता है, ये लिखवाया था आपको। पहले सेल होगी, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट की पेमेंट करेंगे कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट की पेमेंट करेंगे ईबीआईटी, इंटरेस्ट दे देंगे ईबीटी, टैक्स जमा करवा देंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स, प्रेफरेंस डिविडेंड दे देंगे सीडीटी। अब ये बताओ प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद ये जो पैसा बचा है यही क्या है, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब आप बताओ ये पैसा इक्विटी को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, लेकिन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, इसी में से रिजर्व बना लेते हैं और फिर पैसा देते हैं। देते हैं कि नहीं? अब 2 मिनट सोचो, बताओ मेरी कंपनी के आप लोग इक्विटी शेयर होल्डर हो हाँ? अब ये आप ये चार्ट देख रहे हो, अब आप कह रहे हो अच्छा है यहां आया मान लो 10 करोड़, उसमें से 5-6 करोड़ का रिजर्व बना लिया गया, 4 करोड़ आपको बांटा गया, और मेरे मान लो मेरे पास 4 लाख इक्विटी शेयर होल्डर्स थे, तो सबको 100-100 रुपए मिल गए। ठीक है, 100-100 रुपए मिल गए। अब आप बताओ बेटा, आप मुझसे ये नहीं कह सकते कि सर ये जो 6 करोड़ रुपए आपने हमारे रोक लिए ये कंपनी के पास हैं, अगर ये पैसे हैं तो मेरे ही, अगर मुझे दे देते आप, हम कहीं इसको इन्वेस्ट करते तो 2 पैसे उस पर भी कमा लेते। बोलो बेटा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है तो इक्विटी शेयर होल्डर का ही ना, रोक लिया गया, रोक लिया गया एजीएम में, तो इक्विटी शेयर होल्डर ये बोल सकता है ना अगर ये पैसा हमको मिल जाता समय पे हम इसको कहीं इन्वेस्ट कर देते, ठीक है, हम इसे जमीन खरीद लेते तो और इसका दाम बढ़ जाता, कंपनी में तो उतना नहीं बढ़ पा रहा है। तो वो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। समझ आए? और ये कौन सा पहली बार पढ़ रहे हो, 11वीं क्लास में फाइनल अकाउंट पढ़ा था तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ते थे है ना? अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होता थोड़े ना है, मतलब और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सोल प्रोप्राइटर में लिख लिया जाता है खाली ना। बोलो बेटा, वो भी तो इम्प्यूटेड होता है, तो वैसे ये भी क्या है, इम्प्यूटेड है। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग का मतलब ये है, जो पैसा इक्विटी शेयर होल्डर का रोक लिया गया वो कंपनी में ही तो इन्वेस्टेड है, उससे कोई ना कोई काम होगा। अब अगर वो इस बात पर ऐतराज करे इक्विटी शेयर होल्डर कि हमें आप देते हम कहीं बेटर इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा कमा लेते, यहां मुझे कम कमाई हो रही है, तो वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। बात समझ में आई? अब बताओ फिर से एक बार, रिजर्व एंड सरप्लस किसका पैसा है, इक्विटी शेयर होल्डर का है ना, मिल जाता तो कहीं इन्वेस्ट करके 2 पैसा कमा लेता। तो अब बेटा क्योंकि ये इक्विटी शेयर होल्डर का है तो इसको निकालने के सारे फॉर्मूले भी इक्विटी वाले ही हैं। इक्विटी में क्या क्या पढ़ा, डिविडेंड प्राइस अप्रोच पढ़ा था, यहां भी सब कुछ है सेम टू सेम, अर्निंग प्राइस अप्रोच वहां पढ़ा था यहां भी है, अर्निंग प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच, डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच वहां पढ़ा था यहां भी है ना, सारे फॉर्मूले यही हैं। ठीक है, अब यहां तक तो बात ठीक है। अब इतना पढ़ने के बाद तुम लोग के दिमाग में बैठ जाता है अच्छा दोनों एक ही हैं। अब एक नहीं, अब सुनो गड़बड़ कहां करते हो। देखो देखो बेटा, सब कुछ वही है, रिजर्व भी इक्विटी का है और इक्विटी पे जो डिविडेंड मिला वो तो इक्विटी का होता ही होता है, तो
तो क्या है, निकलेगा इसी फॉर्मूले से, इसी फॉर्मूले से इक्विटी भी निकलेगा, इसी से रिटेन अर्निंग भी निकलेगा, लेकिन एक चेंज है। क्या सुनो बताओ, इक्विटी शेयर के कितने प्राइस होते हैं? एक फेस वैल्यू, एक मार्केट प्राइस होते हैं ना। अच्छा, और इधर देखो, जब इक्विटी शेयर इशू करेंगे तो इशू के कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, अंडरराइटर अपनी कमीशन ले जाएगा, एडवर्टीजमेंट होगा, प्रॉस्पेक्टस प्रिंट होगा, उन सबका खर्चा होता है। तो अगर हम 10 रुपए का शेयर इशू भी करते हैं तो कौन सा हमको 10 मिल ही जाता है, तो उसके लिए हम क्या लेके चलते हैं, नेट प्रोसीड जो मिलता है हम उस पर काम करते हैं। बोलो बेटा, 10 रुपए का शेयर हमने इशू किया, आते आते कंपनी के पास 7 रुपए आए, तो हमारे लिए 7 रुपए यूज हुआ ना, तो नेट प्रोसीड कितना हुआ, 7 रुपीज। ठीक है, तो इक्विटी शेयर के दो प्राइस, वन वन इज बेटा, वन इज फेस वैल्यू, अनदर वन इज मार्केट वैल्यू। एक दूसरा, जब भी हम इक्विटी इश्यू करते हैं तो उसके कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, इस वजह से हमारा नेट प्रोसीड अलग होता है। ये बैठी बात दिमाग में? अब लो की पॉइंट सुनो। देखो, ये बताओ, क्या रिजर्व भी कभी इश्यू किया जाता है? तो रिजर्व का कभी भी प्राइस हो ही नहीं सकता, रिजर्व का कभी नेट प्रोसीड नहीं होता, नेट प्रोसीड, क्योंकि रिजर्व को इश्यू करने पे कभी खर्चा नहीं आता, खर्चा किस पे आता है, इक्विटी को इश्यू करने पे। ठीक है, तो ये जो P0 लिखा है, इक्विटी के लिए ये है नेट प्रोसीड, लेकिन रिजर्व के लिए ये है मार्केट प्राइस। नहीं समझ में? रिजर्व के लिए क्या है, मार्केट प्राइस, KR के लिए मार्केट प्राइस, ये आखिरी में लिखवाया ना, P0 है नेट प्रोसीड फॉर कैलकुलेशन ऑफ KE, और यही है करंट मार्केट प्राइस फॉर KR, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस का कभी भी इश्यू एक्सपेंस नहीं होता। ठीक है ना, 6 करोड़ जैसे मेरे एग्जांपल में कंपनी ने रोक लिए, तो गया 6 करोड़ ना, उसमें से कौन सा कट जाएगा, वो तो पूरा यूज करेंगे ना। समझ आया बेटा? अब वो लोग गलत कैसे करवाते हैं क्वेश्चन आप लोगों से, क्वेश्चन एक ही होगा, उसी में मार्केट प्राइस भी दिया होगा, डिस्काउंट डिस्काउंट देके नेट प्रोसीड भी बनेगा, एक ही क्वेश्चन में कहेगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालो, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग निकालो। तो बस यही छोटा सा ध्यान रखना है बात का, कि खर्चे किसमें होते हैं, इक्विटी में, KR में कोई खर्चा नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लो नहीं दिया है, मान लो फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ नहीं है, तो जो जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकलेगी वही KR निकल के आएगी। आ गया समझ में? तो ऐसे बेटा हम लोग निकलते हैं कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। अब आज यहीं तक करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में।